जब आप अपना बैग पैक करते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो उस वक्त आपको ये अपने बैग में ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको आपके बच्चे के लिए कम बजट में बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आपके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है या आ चुका है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कम बजट में आएंगी और आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपकी पेरेंटिंग लाइफ को थोड़ा ईजी करने में आपकी मदद कर सके। आइए अपनी वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, स्लीपिंग बैग कॉम्बो। ये कॉम्बो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये समर सीज़न में और विंटर सीज़न में दोनों में ही बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। न्यूबॉर्न बेबी अपना ज़्यादा समय सोने में बिताते हैं, इसलिए आपके पास इस तरीके का कॉम्बो ज़रूर होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। मुझे भी पर्सनली इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, स्पेशली इसमें जो जिप वाला बैग है उसने। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का होता है, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। और ये वॉशेबल भी है और मैंने बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया था जो इसका छोटी थी, मैंने इसे 6 मंथ तक यूज़ किया है। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बच्चों के लिए। देखिए ये इजीली खुल जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये इजीली ओपन हो जाता है। ये इस साइड से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये पूरा पूरा लंबा बैग टाइप का बन जाएगा बच्चे के लिए बन जाता है, जो बाद में बच्चों के काम आ जाता है। तो इसमें जब बच्चों को आप सुलाते हैं स्क्वाडल करने के बाद, आप इसके अंदर सुला दीजिए, बच्चे इतने कम्फर्टली इसमें सोते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक सोते हैं। इसको आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडों के दिन में बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है, जब भी हम बच्चों को सुलाते हैं अपने साथ तो उन्हें हवा लगती है, ठंड लगती है, जिस वजह से बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अगर आप बच्चों को इसमें सुला देते हैं तो इसके बाद बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे को कोई ठंड नहीं लगती है। ये इसको आप धो भी सकते हैं, अगर गंदा हो जाता है इसको आप धो सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया, इसका कलर भी थोड़ा सा डल हो चुका है। इसमें आप बच्चे को लेके कैरी भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। इसके अंदर हवा नहीं आती है और इसके अंदर पानी भी नहीं आता है, जिसकी वजह से आप इसको लेके इजी बच्चे को कैरी भी कर सकते हैं। इससे बच्चे को वार्म भी फील होगा, बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी। तो ये बहुत सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस पूरे कॉम्बो में यही लगी थी। इसके बाद जो नेट वाला है, आप चाहें तो बच्चे को इसमें सुलाने के बाद दिन के टाइम पर बच्चे को नेट में डाल दीजिए और धूप में सुला दीजिए दिन के वक्त जब ठंड पड़ी होती है, तो आप इस तरीके से भी नेट को यूज़ कर सकते हैं। और जब भी बच्चा उठता है तो उसके बाद आप बच्चे को खेलने के लिए उस नेट में डाल सकते हैं, ताकि बच्चा खेले जिस टाइम बच्चा उठ रहा है, बच्चे को टमी टाइम दीजिए उसमें। तीसरी जो चीज़ है इसमें, इस टाइप का आपको ये दिख रहा होगा, ये गद्दा जैसा है बच्चे का, ये तीसरी जो चीज़ है बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और ये बहुत ज़्यादा फोल्डेबल है। आप बहुत ज़्यादा इसे फोल्ड कर सकते हैं और इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब बच्चा बाहर खेलना चाहता हो, आप उसको नेट में नहीं डाल रहे हैं। आप ये चीज़ बच्चे की मालिश करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, जब भी आप बच्चे की मालिश कर रहे हो तो आप इसको नीचे से लगा सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है। इस कॉम्बो की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा कलर मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद हो आपको अपने बच्चे के लिए ज़रूर लेना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी पेरेंटिंग लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, स्पेशली सोते वक्त बच्चों की। अगर आप इस कॉम्बो को ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप जाके परचेस कर सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और इससे आपकी पेरेंटिंग लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2, मैनुअल ब्रेस्ट पंप। ये जो मैनुअल ब्रेस्ट पंप है ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैंने भी स्टार्टिंग में इसको लिया था। डिलीवरी के बाद बहुत सारी लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम आती है कि उन्हें ब्रेस्ट मिल्क बनता नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर आता नहीं है, तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो बच्चे की जो गलत पकड़ होती है, जिसे लैच कहते हैं, अगर वो गलत तरीके से पकड़ता है तो हमारे निप्पल पे घाव हो जाते हैं, कभी कभी कट भी पड़ जाता है। तो उस दौरान आपको ब्रेस्ट फीड कराने में बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। दूसरी चीज़, बच्चे को इन्फेक्शन का भी डर हो सकता है, तो उस दौरान आपको ब्रेस्ट पंप का यूज़ करना चाहिए। जब आपके ब्रेस्ट में क्रैक पड़ जाते हैं या घाव हो जाता है, तो उस दौरान आप बच्चे को तो दूध नहीं पिला पाते हैं, बट उस दौरान दूध ना पिलाने की वजह से हमारे ब्रेस्ट में गांठें पड़ जाती हैं और हमारे ब्रेस्ट टाइट हो जाते हैं, जिस वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है। तो उस सिचुएशन में भी आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक भी मंगवा सकते हैं और आप चाहें तो मैनुअल भी मंगवा सकते हैं। जो भी चीज़ आप मंगवाना चाहें आप उनको मंगवा सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं।
नंबर थ्री, जो तीसरी ज़रूरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी के साथ, वो होता है वाटरप्रूफ शीट्स। तो आप इस तरीके की वाटरप्रूफ शीट्स ले सकते हैं, ये पीछे से रबड़ की हैं और आगे से फैदर की हैं। इस शीट पे आप डायरेक्ट भी बच्चे को लेटा सकते हैं। ये शीट वॉशेबल होती है और इसके नीचे बिल्कुल भी बच्चे की शू या पानी अगर गिर जाता है तो नहीं आता है। तो ये शीट आपके पास होनी चाहिए, ये बहुत कंफर्टेबल होती है। इसको मैं अभी भी यशिका के लिए यूज़ करती हूँ, यशिका 1 साल की हो चुकी है। और इस शीट का यूज़ आप बच्चे की मसाज करते हुए भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कलर में इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और इसको ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी होती है और ये स्पेशली वॉशेबल है और जल्दी से सूख भी जाती है, तो ये शीट आपके पास होनी चाहिए। नंबर फोर, नोज़ क्लीनर। आपके पास न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये नोज़ क्लीनर भी ज़रूर होना चाहिए। इस नोज़ क्लीनर के साथ आपको एयर क्लीनर भी मिलता है। इस नोज़ क्लीनर का यूज़ मैं आज भी करती हूँ यशिका के लिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बेबी की नोज़ क्लीन करने के लिए। अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, जिस वजह से कभी उनकी नाक बहने लगती है, कभी उनकी नाक में अंदर से गंदगी जम जाती है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसका सीधा इफेक्ट उनके सोने पर पड़ता है। इस नोज़ क्लीनर का जो आगे का पार्ट है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, तो इससे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, अभी भी होता है। जब भी बच्चा नहाता है या आप बच्चे का फेस क्लीन करते हैं या नोज़ के पास अगर आप पानी से साफ़ करते हैं तो जो बच्चे की गंदगी है वो बाहर पास तक आ जाती है, बट बाहर निकालने के लिए आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, बाहर निकालने के लिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ईजिली इससे बाहर आ जाता है। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे प्रेस करते हुए आप बेबी की नाक के पास लाइए और इसको छोड़ दीजिए। बेबी की नाक में जितनी भी गंदगी होगी वो सब इसमें आ जाएगी। तो ये बहुत इजी तरीका होता है बच्चे की नाक साफ़ करने का। साथ ही इसमें ये कान साफ़ करने वाला आता है, इसको आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का होता है। अब मैं इसको लगा के भी आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर दिया, उसके बाद आप इसे ऐसे फिट कर दीजिए। इससे आप बच्चे के कान को साफ़ कर सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, देख सकते हैं आप। तो आप इससे बच्चे के कान साफ़ कर सकते हैं, इसको भी आप सेम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जो वैक्यूम प्रेशर है वो भी बहुत हल्का है, इससे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये नोज़ और एयर क्लीनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। नंबर फाइव, आपके पास ये तीन का जो कॉम्बो आता है टी शर्ट्स का, वो बच्चे के लिए ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका। न्यूबॉर्न बेबी की जो स्किन है उसको जो पहला कपड़ा टच करे वो कॉटन का होना चाहिए और स्पेशली वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये जो तीन का कॉम्बो है उसको ले सकते हैं। ये स्पेशली मैंने यशिका के लिए लिया था, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है पहनाने के लिए और लुक में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, देख सकते हैं आप। ये इसको मैं एक ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बच्चे के लिए। अब ये यशिका बड़ी हो चुकी है, अब ये यशिका को नहीं आता, ये 6 to 7 month तक बच्चे को आ जाता है उसके, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। नंबर सेवन, राउंड टी शर्ट्स। ये जो राउंड टी शर्ट्स आती हैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा देखिए कंफर्टेबल है। ये टी शर्ट्स यशिका को अभी भी आती है, यशिका 1 साल की हो चुकी हैं, ये यशिका को अभी भी आती है। इसका जो आप नेक देख सकते हैं, नेक पे जो डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन है इससे बच्चे को इसे पहनने में दिक्कत नहीं आती है। तो आप बच्चे के लिए इस टाइप के नेक वाली जो 5 t-shirts का सेट आता है वो भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। ये बच्चे को 1 साल तक आती हैं, देखिए ये यशिका को अभी भी आती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इन सब का जो प्राइस है वो भी बहुत कम है। इस वीडियो में आपको आपके बच्चे के लिए कम बजट में बहुत बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। नंबर एट, आपके पास बेबी के लिए इस टाइप का ये सॉफ्ट कंबल भी होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया ब्लैंकेट होता है। जब आप अपना बैग पैक करते हैं हॉस्पिटल के लिए तो उस वक्त आपको ये अपने बैग में ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, इसमें आप लिटा के बच्चे को सुला भी सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप कोई भी चीज़ लें वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और देख सकते हैं इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये भी आपके पास होना चाहिए, 3 का सेट आता है। आपके पास ये कैप भी होनी चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जो छोटी टोपियाँ होती हैं बहुत जल्दी निकल जाती हैं, तो आपके पास इस टाइप की मंकी कैप होनी चाहिए। इनके अंदर जो है वो फैदर है, आप देख सकते हैं इनके अंदर जो है सॉफ्ट फैदर है। ये स्पेशली मैंने यशिका के लिए ली थी, अब यशिका को ये फिट नहीं आती है क्योंकि ये सिर्फ 6 month तक के बेबी के लिए थी। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो आपके पास इस टाइप की कैप भी होनी चाहिए, इससे बेबी को ठंड नहीं लगती है। ये ब्लैंकेट होता है, इसे आप कहीं भी जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप
आप देख सकते हैं इसकी लेंथ भी कितनी अच्छी है। अभी भी ये यशिका को आता है, ये इस पे ये बच्चे को 2 साल तक आता है। ब्लैंकेट होता है, इसको आपको अपने बच्चे के लिए लेना चाहिए। इसमें कैप होती है, इसमें आप बच्चे को लेके कहीं भी वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, 2 साल तक बच्चे को फिट आ जाता है। तो ये भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही जब आप अपने बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं तब आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने साथ अपने बच्चे को सुलाते हैं तो स्पेशली बच्चे के लिए अलग सा कंबल होना चाहिए। उसके बाद जो आपने उड़ा है वो अपने बच्चे को आप उड़ा दीजिए। तो अलग से लेने के लिए बच्चे के लिए ये भी बहुत बढ़िया होता है। दूसरा, आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, ये बच्चे को काफ़ी लंबे टाइम तक आएगा। तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा है। ये देखिए, जब भी हम बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं तो हमारी करवट लेने से बच्चे को हवा लगती है। तो आप जब भी बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं तो अलग से कंबल बच्चे के ऊपर डालिए, उसके बाद जो भी आपने ओढ़ा है वो बच्चे को उड़ाइए। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, वो है ये तीदर। इस टाइप का तीदर आता है मार्केट में, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों मिल जाएगा। इसके अंदर पानी भरा होता है, तो जब भी बच्चे की मसूड़ों में खुजली होती है या बच्चों की तीदिंग आप प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो ये बच्चों को आप दे सकते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए इसको लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा वेस्ट है। मैं स्पेशली आपसे कहूँगी कि इसको आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं जिस दिन ये यशिका के लिए लाई थी उसके 2 से 3 दिन बाद ये यहाँ से छेद हुआ और इसका सारा पानी निकल गया, उसके बाद ये बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो आपको इस टाइप का तीदर अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा जो तीदर आते हैं आप उनको अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनको आप बच्चों के लिए ले सकते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है। इनको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, ये आपके ज़्यादा चलते भी नहीं है और बच्चे के लिए सेफ़ भी नहीं होते। आप सोचिए, अगर बच्चा इसको चबा रहा हो उसी वक्त इसका पानी फट जाए और जो भी इसके अंदर था वो सब बच्चे के मुंह में चला जाए, तो ये बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल भी अपने बच्चे के लिए नहीं लेना है। लास्ट ज़रूरी चीज़, आपको अपने बच्चों के लिए रात को डायपर ज़रूर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नींद अक्सर शू करने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चे दो ही वजह से उठते हैं, या तो उन्होंने शू कर दी होती है या उन्हें भूख लगती है, वो दूध पीने के लिए उठते हैं। तो जब बच्चे शू करते हैं तो बच्चे के नीचे के कपड़े भीगने के साथ साथ बच्चे के ऊपर के कपड़े भी भीग जाते हैं, जिस वजह से बच्चे की नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो मुझे लगता है स्पेशली उस दौरान आपको अपने बच्चों को डायपर्स में ज़रूर रखना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं अगर हम छोटे से बच्चों को डायपर्स की आदत डाल देंगे तो ये छुड़ानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। मैंने खुद यशिका को 4 महीने तक कंटिन्यू डायपर पहनाए थे और उसके बाद 5वें महीने से मैंने यशिका की डायपर की आदत बिल्कुल छोड़ दी थी। इस आदत को आप कैसे छोड़ सकते हैं, इस पे मैंने पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चों की डायपर की आदत छुड़वानी है तो वो आप कैसे छुड़वा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। वीडियो में दिखाई गई सारी चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये चीज़ें ऑनलाइन लेनी है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक से ये चीज़ें आपको डिस्काउंट में मिलेंगी। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ये चीज़ें ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ हमारे इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।